वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग का लाइव एपिसोड, जिसमें हम आपके सवाल पल्लवी जी से, आपकी बात जो है पल्लवी जी से सीधा करवा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 732-650-1100 पर। पल्लवी जी, आइए दर्शकों की कॉल्स लेने का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? हम इधर से न्यूयॉर्क से बोल रहे हैं, चांद। चांद जी, स्वागत है आपका। क्वेश्चन फॉर माय नेफ्यू। ओके, गो अहेड। ही इज 15th July 1984, व्हेन इज ही गोइंग टू गेट मैरिड? ओके, सो 15th July 1984 यू सेड, राइट? यस। एंड डू यू नो द डेट ऑफ बर्थ आल्सो? I mean, sorry, time of birth. I'm sorry. Time of birth? No, that I don't know. Okay, and you know, I don't remember. What is the name of the child? Rajiv. Rajiv. Okay, Chand ji. R-A-J-E-E-V. Is it R-A-J-E-E-V or J-I-V? No, I-V. J-I-V. J-I-V. Okay. Rajiv. Okay. So, Miss Chand, aapka Rajiv ke baare mein question shaadi ke baare mein hi sirf hai? Haan ji. राजीव की शादी का जो पीरियड है वो 2019 के नवंबर महीने के बाद से लेकर धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन शादी के लिए अच्छा मैच उसको 2020 में मिलेगा। लेकिन शादी के लिए जो बातचीत चल रही है, आप ढूंढ रहे हो, ये सब बातें हैं। इंट्रोडक्शन आपको राजीव जी खुद ही करवा देंगे। सो जान पहचान, हाँ, जान पहचान में ही शादी होगी। लव मैरिज के चांसेस है। What Pallavi ji is able to read, make the predictions is love most looks like that it's going to be a love marriage rather than an arranged marriage. So that's what she's. But 2019, 2020. September. It would start from November 2019, but more so she sees it happening to fruition in 2020, sir, ma'am. Oh, thank you so much. Thank you. Goodbye. Yes, you're live on Vastu Living. Who's this? Where are you calling us from? New Jersey. Go ahead, ma'am. Apna parichay dijiye aur sawal puchiye. Haan ji, boliye ma'am. Question bolo jaldi. Main apni beti, Preeti ke liye puchna chahti hu. Ji, madam, Preeti ji ka date of birth bataiye aur kya sawal hai? Uski date of birth hai 1st September 1971। और प्रीति जी के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? उसकी लाइफ जो है, उसने बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, पीसफुल लाइफ नहीं है जी। सो यू वांट टू नो, पूछना चाहती जी, आप उनकी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, और उसका बर्थ टाइम बता सकते हैं आप प्रीति का? बर्थ टाइम है उसका शाम का टाइम है, 8:15 बजे, 8:20 के बीच में। आप उनके मदर हो? जी। अच्छा, साउंड्स लाइक दैट शी इज नॉट श्योर अबाउट द टाइम, बट ऐसा लगता है। टाइम 8:15, 8:20 बिटवीन दैट। या मैम, प्रीति जो है ना वो इंडिपेंडेंट नेचर वाली लड़की है, तो इसीलिए जो चीज आपके लिए टेंशन जनक हो सकता है, उस बच्चे के लिए ऐसा कुछ भी ना हो। तो कई बार इंडियन पेरेंट्स होते हैं, उनके सोच विचार डिफरेंट होते हैं। कई बार हमें यहाँ से शादी ब्याह के लिए लोग सवाल पूछते हैं कि इसकी शादी कब होगी, उसकी शादी कब होगी, लेकिन कई बार इतना इनोसेंट होता है कि सिर्फ वक्त आने की बात होती है, वक्त आने के साथ अपने आप शादी हो जाए। प्रीति का डायरेक्शन चार्ट ऐसा है कि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीती है, वो किसी और को उससे क्या प्रॉब्लम होती है वो पता नहीं, लेकिन मैरिज लाइफ और लग्न जीवन जो बोलते हैं उसका, मैरिज लाइफ का जो कॉर्नर है वो काफ़ी वीक है। तो रिलेशनशिप में उसके साथ धोखाधड़ी होगी, ऐसे परेशानी वाले चांसेस है। और उसके अलावा काम करने के तौर पे करियर के लिए वो अपने हिसाब से आगे बढ़े, और अभी भी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है, तो वेट करना चाहिए, लेकिन काम और करियर पे वो फोकस कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वी विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर। वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं मनोज ठाकर बोल रहा हूँ। मनोज जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं सर? डेलावेयर से। डेलावेयर से, गो अहेड सर, सवाल क्या है? आप अपने लिए जानना चाह रहे हैं, कोई किसी फैमिली मेंबर से जुड़ा सवाल है?
ना मेरे लड़के के लिए मैं जानना चाहता हूँ, उसका बर्थडे है 25 नवंबर 1992। और उनका नाम क्या है सर? उनका नाम यश है और उसका जन्म है 4:30 नून का। अच्छा, 4:30 PM। ओके, और मनोज जी यश के बारे में क्वेश्चन क्या है आपका? यश के बारे में क्वेश्चन ये है कि उसकी शादी का योग कब है? जी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, विवाह के बारे में जानना चाहते हैं। आप उनका बर्थ टाइम बताएंगे दोबारा? मनोज जी, यश जी की शादी का, यश जी की डेट ऑफ बर्थ दोबारा से बताएंगे? नहीं, डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम 25 नवंबर 1992। 25 नवंबर 1992 और समय आपने बताया 4:30 दोपहर का। हाँ जी जी, ठीक है। जो यश की डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से शादी के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सामने वाली जो लड़की जिसको मंगल बोलते हैं ना, जिसके अंदर कुछ मंगल या उसकी शनि की कुंडली मिला के इसकी शादी करनी चाहिए। तो अभी उनके हिसाब से कुंडलियां मिला करके ही शादी करें चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि यश जो है मांगलिक है कहीं? नहीं, उसका चार्ट कब होगी शादी? हाँ, जी इसीलिए। अच्छा, और मंगल में दो तरह के योग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़की मांगलिक होनी चाहिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मंगल होते हैं कि मंगल उसका भी हैवी हो या शनि हैवी हो, तो इसकी कुंडली भी कुछ ऐसी है। शादी के लिए आराम से करे, पहले मैच करे, उसके बाद शादी के बारे में सोचे, वो इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शादी का अच्छा योग आपका 2020 में बनता है, लेकिन कुंडलियां मिलाए बिना शादी नहीं करना। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वास्तु लिविंग में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड बाय। वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है, हु इज दिस? हेलो, दिस इज ममता। ममता जी स्वागत है आपका, वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम मैम? यूएसए, विस्कॉन्सिन। From Wisconsin, may I request you to lower down the volume of your television set and go ahead ask your question, ma'am. Is it related to you or to your any of your family member? It's related to me. Go ahead, Mamta ji. Ask what's the question and what's your date of birth? Mera question is related to job. Okay, and what's your date of birth? February 15, 1968. February 19th, 1968. अच्छा, तो आपका सवाल आपके करियर के साथ रिलेटेड है? यस, मेरे जॉब के लिए। आई नो मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते, पर मेरे को मेरे जॉब के लिए जी। अच्छा, और कौन सी दिशा के घर में रहते हो वो बता सकते हो आप? शिकागो के पास, विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन से मैंने देखा हुआ है, मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपका घर जो है उसके सामने नॉर्थ दिशा, साउथ दिशा, आप घर की डायरेक्शन जानते हो? नॉर्थ हो आप श्योर हो? नॉर्थ। ठीक है, आपको जॉब के लिए कोई भी, जैसे जिस चीज में स्मेल होती है, जैसे खुशबू वाली चीजें, ब्यूटी सलोन है, गैस स्टेशन है, लीकर स्टोर बिजनेस है, उस तरह के प्रोफेशन के साथ आप काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। और जॉब के लिए एक जॉब छोड़ दोगे, एक दो महीने का गैप पड़ेगा, फिर मिल जाएगी, लेकिन जॉब के चांसेस तो अभी भी है ममता जी, जॉब में कोई रुकावट नहीं आएगी। बट ये है कि जहाँ पे आपने कोशिश की अगर बात नहीं बनी, यू हैव टू बी कंटिन्यू। ऐसा नहीं होगा कि 5-6 महीने का, 1.5 साल का गैप पड़ जाएगा। तो अभी अगर अच्छी जॉब चाहिए तो अगस्त 30 तक रुकना पड़ेगा, लेकिन टेम्पररी जो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा लेकिन काम मिल जाएगा, वो तो अभी भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। वी विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर। यस, यू आर लाइव ऑन वास्तु लिविंग, हु इज दिस, वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? या हाय, दिस इज, वन सेकंड, माय नेम इज सिद्धार्थ टेलर, आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी। I'm sorry sir, come with your name again. My name is Siddharth Taylor. Siddharth Taylor, okay. Taylor, I'm calling from New Jersey. Okay. My date of birth is 14 November 1983. 14th November 1983, Siddharth. So what's your question? Is it related to you? Yes, it's related to me. It's regarding my career. Okay. I came to US in 2004.
2014, and I've not seeing any progress in the last 5 years in my profession as architect. Okay, Siddharth, what's your time of birth? Do you know that? 7:46 a.m. Mumbai. 7:46 a.m. Mumbai. Okay. And Siddharth, are you married? Siddharth, okay. Are you married? Yes. You are. Okay. So, आप अपनी wife का नाम और date of birth देंगे, please? जी, मेरी wife का नाम है दिव्या टे. Okay. 12th December 1987. Time is, yes, go on. Yeah, you said 12th December 1987. No, sorry, 27th December 1987. 27th December 1987. Okay, Siddharth. Yes. And time is 9:36 a.m. Malviji. सिद्धार्थ जी, आपका चार्ट ऐसा है कि आपको अपनी जहां आप पैदा हुए, जो अपनी मदर भूमि होती है, उससे बाहर की कंट्री के साथ प्रोग्रेस बहुत अच्छा है और ये कंट्री के साथ आपकी लेन देन बहुत अच्छी है. आप जो भी काम करते हो, शुरुआत के मतलब शुरुआत के पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को सक्सेस नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि राइट नाउ जो आप कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है. ये सारा बहुत अच्छे से बाहर निकलेगा 2020 और 21 में. आप लगातार जो कर रहे हो, अपनी कोशिश को करते रहो, ये कंट्री आपके लिए ब्लेसिंग और बहुत ही सक्सेसफुल और प्रॉस्पेरेट साबित होगी. तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा फाइनेंशियली, दिव्या का चार्ट आपके मुकाबले में बहुत अच्छा है. एंड आगे चल के आपको बिजनेस या काम का मौका मिलता है तो आप दिव्या का नाम हर जगह पे यूज करें. और वास्तु ये कहता है कि आपका घर जहाँ पे भी वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का हो, ऐसे घर में रहने से आपको सफलता मिलेगी. तो ऑब्स्टिकल हो सकता है कोई दशाओं के अंदर या वास्तु दोष की वजह से हो, लेकिन अभी का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा है आपके लिए. ओके, एंड शुड आई कंटिन्यू इन जॉब और शुड आई लुक फॉर बिजनेस? नहीं, आप कर सकते हो बिजनेस के लिए. आप दिव्या के नाम पे कोई बिजनेस शुरू करें, जब तक वो बिजनेस थोड़ा बहुत बिगिनिंग पे, जब तक वो फैल नहीं जाता है, तब तक आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें. तो उनका नाम यूज करें, मेहनत आप करें, ऐसे करके एक शुरुआत करो. उसके बाद जी जो सक्सेस मिलेगी वो आप हमें बताना. दिव्या से शुरुआत करो, बात बन जाएगी. Okay. Siddharth ji, thank you so very much. I guess thank you so much, Pallavi ji. Thank you. Good luck. Patience is the key. That's what Pallavi ji is trying to refer. She okay. will be successful. Understood. Thank you. You so very much. We'll get on to the next caller. Yes, you're live on Vastu Living. Who's this? Where are you calling us from? Okay, my name is Mamta and Mamta ji, didn't you call us now? Just recently you called us, right? No. Okay, go ahead, ma'am. What's your where are you calling us from? So I'm calling from Vermont and I'm calling from my for my son. Okay, go ahead. Enal. Okay. Enal Asthana, his name is, and his date of birth is December 5th, 1995. Come with the date of birth again, Mamta. December 5th, 1995. December 5th, 1995, you said. Yes. Okay, or Mamta ji, kya sawal hai? Naam dobara bolna padega. Mrinal aapne kaha na? Mrinal, it's MRINAL. जी, मृणाल जी के लिए क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कब वो सेटल होगा, लाइक उसको जॉब कब मिलेगी? अभी अभी उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करा है. जी, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब. जी, मृणाल की आप बर्थ टाइम बता सकते हैं प्लीज? बर्थ टाइम है 5:55 इवनिंग में. 5:55 इवनिंग. और यूएस है? यहाँ पे है? नहीं, यहाँ बर्थ नहीं है. इंडिया से बर्थ हुआ था उसका. ओके, सो आपका क्वेश्चन है कि उसका जॉब में सेटलमेंट, मतलब जॉब अच्छी कब मिलेगी? जॉब कब उसका लगेगा? एंड उसके लाइफ में बहुत अप एंड डाउन है. आई वांटेड टू नो कि कब वो थोड़ा सेटल होगा. और जी पल्लवी जी, हमें समय का अभाव है, एक मिनट. अभी मृणाल की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उसकी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी का कॉर्नर है, कमजोर है. तो कई बार कोई चीज एकदम नजदीक में आती है, उसका मूड चेंज होता रहता है. आज मॉर्निंग में कहीं कुछ और होगा, इवनिंग में कुछ और होगा. तो जॉब में स्टेबिलिटी के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, ऐसा कोई चार्ट नहीं है उसका. और आगे चलने के बाद अगर इसी साल के अंदर आप बात करें तो नवंबर तक रुक जाए. नवंबर तक आप अपनी जो भी जॉब के इंटरव्यू देते हैं उसकी कोशिश करें. नवंबर 15 के बाद उसको जॉब थोड़ी बहुत अच्छी जो उसको पसंद आएगी वैसी मिल जाएगी. ममता जी, थैंक्स सो मच फॉर कॉलिंग इन मैम. इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप वास्तु लिविंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, आने वाले रविवार को हम 16 जून को वास्तु लिविंग का रिकॉर्डेड एपिसोड आप देख सकते हैं, जिसमें हम पल्लवी जी के साथ केटरिंग बिजनेस एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे. हमारे साथ इस विषय में जुड़ने के लिए, आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए आप